स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे नए व्लॉग में नई लोकेशन के साथ। और आज का व्लॉग थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि मैं कुछ अलग प्लेस में आपको दिखाने वाला हूँ जो कि पुणे में है। और पुणे हम गए थे हमारे दोस्त से मिलने के लिए, तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी तरीके की वीडियोज़ आपको देखने के लिए। और सब बढ़िया तो करते, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा सबसे पुराना दोस्त जिसे कहते हैं ना कि चड्डी फ्रेंड, तो ये वही वाला दोस्त है मेरा चड्डी फ्रेंड। तो इसका नाम है विनायक और इसने मुझे ना पूरा पुणे सिटी जितनी भी मतलब जो लोकेशन थे ये सारी लोकेशन उसने मुझे। तो अगर आप पुणे आए हो और ये वाली लोकेशन पर नहीं गए तो फिर पुणे आए क्यों? तो अभी दिखा रहे हैं आपको जो सुमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर जो पुणे में सबसे बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही फेमस है। मंदिर के बाहर एक अंकल जी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बना रहे थे, हमें लगा वो चर्च का बना रहे, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वो चर्च नहीं था, वो था शुक्रवार पेठ। तो हम भी निकल पड़े उसी ओर और वहाँ जाने के बाद में हमारी बात हुई श्याम आनंद काले इनसे, तो आगे की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। श्याम आनंद काले, माफ़ी चाहूँगा लेकिन श्याम जी मराठी लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे तो मराठी और हिंदी मिक्स कर दिया, क्या ही कर। नाव श्याम आनंद काळे। ओके, आणि याच्यामध्ये जवळजवळ काय विक्री केले जाते या पूर्ण पेठामध्ये? शुद्ध शाकाहारी भाजीपाला इथं, ह्या एकच मंडई अशी आहे की नॉनव्हेज नाही, सगळं व्हेज। कडधान्य मिळतं, धान्य मिळतं आणि व्हेज नॉनव्हेजचं मार्केट एकच आहे तिकडं पलीकड नेहरू चौकाच्या तिकडे, तिथं नॉनव्हेज मिळतं, पण इथं नॉनव्हेज मिळत नाही। इथं सगळं कांदे बटाटे मिरची कोथिंबीर जे व्हेजिटेबल आहे ते सगळं इथं 8 विभाग आहेत मंडईत। 8 विभाग आहेत? हां, हे असे 8 विभाग आहेत। हा एक विभाग आहे असा, इथं मिरची लिंबूच मिळणार, पलीकडे भाजीपाला भाजीपालाच, त्याच्या पुढे केळी बनाना बनानाच मिळणार, तिकडं नारळ कोकोनटच मिळणार तुम्हाला, इथं कांदे बटाटे म्हणजे कांदे बटाटेच मिळणार। हां, त्यांना कांदे बटाट्याचंच लायसन आहे 150 वर्षापूर्वीचं, आम्हाला फक्त लिंबाचं लायसन आहे म्हणून आम्ही लिंबच विकतो। ज्यांना भाजीपाल्याचं लायसन आहे ते भाजीपालाच विकतात, ते कांदे बटाटे नाही विकत। असे 8 विभाग आहेत ह्या जुन्या मंडईत। ही मंडई बांधून 150 वर्ष झाली, 150 वर्षापूर्वी गव्हर्नमेंट ब्रिटिश सरकार 2 लाख रुपये खर्च आला होता, एवढी सगळी मंडई बांधलेला। समय की पाबंदी देखते हुए हम निकले उस मार्केट से और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि था शनिवार वाला, वहाँ से काफ़ी नज़दीक भी था। और वहाँ पहुँचने के बाद में मैं मिला एक फीमेल राइडर से जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और इन्होंने ऑल इंडिया राइड 2 बार कंप्लीट किया है। मैं खुद को काफ़ी ब्लेस मानता हूँ कि मैं इनसे मिल पाया।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।